तो भाइयों, बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का हमारी आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो के अंदर वी आर गोइंग फॉर अ रोड ट्रिप, जिसके अंदर वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर द प्लेसेस नियर बाय मैक्लोडगंज, जैसे कि टी गार्डन्स, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, वॉर मेमोरियल, क्रिकेट स्टेडियम एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अभी हम लोग हैं मैक्लोडगंज में। आज ये विंटर सोल्जर ये मोहमाया से दूर उठ चुके हैं, कोई रिप्लाई नहीं करेंगे। क्या रिप्लाई करना था? कुछ नहीं करना था। क्या कर रहा है प्रज्वल? यहाँ अच्छी आएगी। आज का प्लान बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? सबसे पहले हम जाएंगे टी गार्डन। अरे बनाते कैसे ये बताओ पहले। मैं अपने देखते रहो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे टी गार्डन। वहाँ से जाएंगे क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ से वॉर मेमोरियल, वहाँ से ये कुणाल पथरी टेम्पल, और इतने में अगर रात हो गई तो फिर सनसेट देखेंगे। आज की वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर पीपल जिनके पास मैक्लोडगंज में स्पेंड करने के लिए एक दिन है, एंड दे हैव अ व्हीकल एंड दे जस्ट वॉन्ट टू रोम अराउंड। तो उन लोगों के लिए दे कैन ऐड दीज लोकेशंस इन देयर आइटिनरी। आई विल प्रोवाइड द मैप लिंक्स ऑफ ऑल द लोकेशंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। सो विद दैट नोट वी विल स्टार्ट आवर टुडेज एक्सप्लोरेशन, बट ऑल दिस विल स्टार्ट आफ्टर वी रेंट द स्कूटी। ऐसे कैसे हो जाएगा? अच्छी खींच लेंगे तो लोग फोटो शूट कराने चले जाएंगे वहाँ पे। अच्छा पेट्रोल पंप कहाँ है यहाँ पे? इतना है इसमें? ये देखो हमें क्या तालिबान बना दिया इन्होंने। शरीर जय महाकाल, चेहरे का एक अंग नहीं दिख रहा है। स्कूटी का नंबर देख लो भैया। चलो गुप्ता जी स्कूटी चलाएंगे, हमारी नया नया लाइसेंस मिला है इनको। आज कैसे होती है स्टार्ट? कैसे होती है पूछ रहे हैं, ये मत पूछो ब्रेक कैसे मारते हैं। यार यहाँ की जो है ना, जहाँ हम रह रहे हैं वो जगह कितनी अच्छी हो, यहाँ की रोड जो है ना इन्होंने MCBC का रखी है रोड की। तो चलाएगा? थैंक यू मोदी जी। इतना डेवलपमेंट है मतलब। हाँ मोदी जी थोड़ी है, बीजेपी है यहाँ भी। बीजेपी और भैया यहाँ के जो मिनिस्टर है उनका लड़का एविएशन मिनिस्टर है, वो उड़ के जाता है, तभी उन्होंने रोड नहीं बनाई यहाँ पर। लॉजिक देखो पहले इनका। पेट्रोल पंप की लोकेशन डाल दिया। भाभी IAS ऑफिसर है। ऑलराइट, सो यहाँ से अब हमारा शुरू हो रहा है मैक्लोडगंज का मार्केट। ठीक है, जितना अभी घूमेंगे घूमेंगे, फिर रात में देखते हैं। अभी तो हमें पेट्रोल पंप पे जाना है मेन तो। और इस टाइम बेसिकली इस टाइम ज़्यादातर बंद ही रहेगा यहाँ, सब 11 बजे के आसपास खुलता है और रात को 8 बजे बंद हो जाता है। इनकी भी अलग ही चौड़ है। दिल्ली का है यार, क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम दिल्ली वालों से भाई? तो कुछ लोग दिल्ली वाले बहुत अच्छे होते हैं। हाँ वो कुछ लोग जो है ना इनकी बेगम है। जहाँ हम खड़े हैं ये है मैक्लोडगंज का टाइम स्क्वायर। अब सिंस मैक्लोडगंज में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो आवर फर्स्ट स्टॉप बिकम्स मान फिलिंग स्टेशन इन धर्मशाला, विच इज़ अबाउट अ 4 किलोमीटर्स राइड। ये तो बहुत भयंकर कट आएगा ये वाला। इसके ब्रेक वैसे मज़ेदार नहीं लगते, भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अब जो है यही है। अच्छा ये पूरी रास्ता, अब तुम ये देखो धर्मशाला है हमारे सामने इस तरफ। कि गाड़ी के पीछे रोके एक सेकंड, फोटो ले फोन कर दी, खुद जाने का ये तो फायदा है। ओ भाई खड़ा नहीं हो जा रहा। ओ, ओ भाई साहब, तो तू बैठा पंप के चक्कर में। हम लोग आए हैं दूसरी सिटी में, इसका नाम है धर्मशाला। बड़ी सिटी है, ज़्यादा टाइप की यहाँ पे दुकानें हैं। मैक्लोडगंज में तो ज़्यादातर टूरिस्ट को ख़रीदने के लिए दुकानें होती हैं, टूरिस्ट का सामान। आते 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 पेट्रोल मेरे हाथ। यहाँ पे हम डलवाते हैं तेल। अरे अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी। सब हम जा रहे हैं टी गार्डन में। तुक्के में ऐसा हुआ जहाँ पेट्रोल पंप है उसके जस्ट नीचे की तरफ ही टी गार्डन है, तो हमें दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, हमारे यहाँ आना सफल रहा। तो यार 3 लीटर पेट्रोल डला लिया, मुझे लगता नहीं शाम तक ख़त्म होगा 3 लीटर पेट्रोल, मैं तो ख़त्म करके दूँगा। तो वहाँ से हमारे गुप्ता आ रहे हैं हवा चेक करवा के।
पता नहीं, इनसे स्कूटी तो चलती है नहीं, आ जाते हैं। Once you are done with petrol, it's time to start our exploration. और ये हम चल दिए टी गार्डन के लिए। चाय पियेंगे। The first of on our list is Himalayan Blue Tea Garden. हल्का ले। इंजीनियर यहाँ कोई है भी तो नहीं इंसान। रुके ये तो कोई सारे चीफ इंजीनियर के घर ही नहीं है। सीधा। ये तो किसी रेजिडेंस है लोगों के। ये लोगों नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल है भैया, जो कि अच्छी बात है। भाई साहब इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना। अब ऊपर नीचे भाई यार कितने ऊपर नीचे हैं यहाँ पे। ये यहाँ का मोती बाग है जो पीछे गया, न्यू मोती बाग। यहाँ पे सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के घर हैं। सरकार टैक्स से पैसे हमारे ऐसे खर्च करवा रहा है। तुम्हें लग रहा है ना कि सरकार बहुत ज्यादा तभी कहते हैं सरकारी नौकरी कर रही है। गूगल कुछ नहीं रही कि चूतिया काटने की। इन्हें हमारे टैक्स में से खाना है, ये गवर्नमेंट नौकरी वाले लोग सोचते हैं। हमें खाना है सब टैक्स पे करेंगे, मेरे दोस्त टैक्स पे करेंगे, हम उनके टैक्स पे घूमेंगे और अच्छे से कर लेंगे। हिमालयन ब्रू पहला स्टॉप टी गार्डन। चलो बैग उठा ले भाई, क्षितिज का नहीं। चाबी तो निकाल। अबे यार गुप्ता ऐसे काम क्यों करता है तू, हेलमेट तो उतार ले। दिस गार्डन इज ओन्ड बाय अ 150 ईयर ओल्ड टी कंपनी इन कांगरा वैली व्हिच इज इंडिपेंडेंटली ओन्ड बाय अ फैमिली एंड राइट नाउ दे आर इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ देयर बिजनेस। खुशबू नहीं आ रही चाय वाली, बनी नहीं है ना, ऐसे ही होता है क्या? बीच में जाओ और ऐसे करना है। ऑल राइट तो हम हैं हेलमेट गैंग। Alright, so ये टी गार्डन है, थोड़ी फोटोग्राफी करते हैं। अरे यार खुशबू दूसरा नहीं आएगा, दूसरा था तीसरा। खुशबू वो वाली नहीं आ रही जो चाय वाली खुशबू होती है, मेरे ख्याल से प्रोसेस होने के बाद आती होगी। ये प्राइवेट फार्म से यहाँ हम नहीं जा सकते। और अभी हम जा रहे हैं पथरी कुनाल पथरी टेम्पल। ये टी फार्म के आगे 1 किलोमीटर है और रास्ता एकदम ऐसा है जैसा हमें चाहिए। The next stop on our list is Kunal Pathri Temple. It is dedicated to Goddess Durga and it is believed that when Goddess Sati had died, her skull had fallen on this particular spot. तो यहाँ हम आ गए हैं कुनाल पथरी टेम्पल। ये इसका गेट है, या जूतों डालने पड़ रहे हैं। खाना खा लिया। ठंड कम हो गई ना, पहले क्यों लगा, पहले ठंड ज़्यादा होती होगी। ठंड अब कम होने लगी ना, अब धूप निकल आई ना, ठंड तो होगी अभी बाहर पहाड़ के ऊपर बर्फ नहीं है ना। वो स्टार्ट बहुत हल्की सी है यार, हल्की हल्की ठंड है अभी, ठंड नहीं है अभी। हम मंदिर कितने बजे खुलता है? मंदिर खुल जाएगा 12:30। 15 मिनट में खुल जाएगा। हाँ 12:30 खुलेगा। 12:20 बंद होता है ना। सही लग रहा है ना, बहुत गहरे पेड़ हैं देखो वहाँ वाले, एकदम टेढ़े भी हो रखे हैं लेकिन सीधे पेड़ हैं एकदम। ये हमारे गुप्ता साहब आए। हाँ मैं भी, एक अंकल ने बताया यहाँ पे जंगली मुर्गियाँ रहती है। अपनी स्टार्टअप स्टार्ट करता है एरोडायनामिक्स का। इलोन मस्क को कंपटीशन देना है तुम्हें? छोटे मोटे लोग को कंपटीशन नहीं देता। अच्छा अभी उड़ेगा। कितने पैसे लगाए हम इसके उड़ने पर? 5 रुपये ज़्यादा है। हाँ ये फूक मारने तुम गैस डाल रहे हो इसके अंदर? फ्यूल नहीं चाहिए होता है, उड़ा भी दे। अरे यार बहुत स्टार्टअप फेल हो गया। नहीं ऊपर
Next stop, we have Dharamshala War Memorial. This war memorial is a tribute to all those brave soldiers who had lost their lives protecting the honor of our motherland. ये तो टी गार्डन टाइप लग रहा है। Geography वालों बताओ ये किस टाइप की फार्मिंग है? कौन सी? ये नॉर्मली लग रही है। नॉर्मली ऑर्गेनिक लग रही है। देखिए फर्टिलाइजर वाली ऐसे करेंगे नहीं इतनी जगह ऑर्गेनिक ही है ना करना चाहिए देखो पैसे नहीं देते बहुत कम मेंटेन कर रखा है यार तुम ये पार्किंग फीस ले रहे हो हमसे एंट्री फीस ले रहे हो उसको यूज़ कहाँ कर रहे हो देखिए देख यार यहाँ से सारे का सारा पेंट निकल रहा है ये ब्लैक भी पूरा यहाँ से भी निकलने वाली हालत हो रही है तो ये हेलमेट उल्टा क्यों पहन रखा तूने उल्टा आ रहा ये हेलमेट उल्टा क्यों पहन रखा है तूने रखा बहुत ही लगता नेक्स्ट स्टॉप वी हैव इज धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम अब मेरे पे वो थोड़ी खुला हुआ है भैया स्टेडियम किधर है ये धन्यवाद Here we have the stadium. Ball हम लाएंगे, bat तुम लाओ। हाँ और one tip out हो। One tip out हो। पहली ball try ball। ये तो उसकी फोटो है क्या नाम था अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। यही का तो है। यहाँ के सारे team से तो लौट आएगी। यहाँ देखना क्या? ये नहीं समझना आ रहा मैं। चलना रोकते हैं, उसको देख ही लेंगे। वहाँ देखो वहाँ बैठी का खड़ी कर। तो अपनी आया वो सका land कर रहा है। Needless to say, this cricket stadium is surrounded by the beautiful snow-covered Himalayan mountains. And it is the highest fully functional cricket stadium in the world at the altitude of 4,780 feet. आप देखिए यहाँ का view. हम स्टेडियम गए थे स्टेडियम ने बोला कि आधे घंटे का ब्रेक चल रहा है. स्टेडियम ने बोला राइट. हाँ स्टेडियम वाले लोगों ने बोला एक ही बात है. वो देखो सीसा लगा है चमक रहा है. क्या बहुत ज़्यादा पावर का बल क्या धन्यवाद एंड द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर टुडे नंबर 5 वी गो टू द नोबलिंका इंस्टीट्यूट ये हम यार एक नोबलिंका करके इंस्टीट्यूट है यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारे स्टेडियम के अंदर एंट्री बंद कर रखी थी एमटी अगर ऐसा होता ये भी वाटरफॉल है एक तरीके से सांप हंसी है हंसी है The main focus of this institute is to preserve the Tibetan culture and to provide the employment to the Tibetan refugees. ऐसा लग रहा है जैसे कुंग फू मास्टर जैसी मूवीज के अंदर वो मास्टर शिफू जहाँ रहते हैं ये देखो यहाँ इसके मुंह से पानी निकल रहा है ऐसे आर्किटेक्चर बिल्कुल वही फील आ रही है हो सकता है इंस्टीट्यूट ही इसी चीज़ का हो है ये देखो अंदर वहाँ पे कारिस्तानी एक नील ली ना वो दो देखो चेक करना क्या पास अरे वो काई खा रही है अगर कोई तुझे इसको बुला अगर कोई तुझे इसको लिटरली कुंग फू मास्टर वाली फील आ रही है यार यहाँ पे लिटरली वही फील है अरे इसलिए मुझे लगा दो मास्क निकल रहे हैं मेरी जेब में से मैं एक तरफ दे देता और अब हम एंट्री लेने वाले हैं जहाँ मास्टर शिफू रहते हैं डन 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 भाई साहब यहाँ तो मूवी की शूटिंग हो सकती है
ये नहीं कह रहा वीडियो क्यों नहीं बना रहा, कह रहा GoPro क्यों नहीं बना रहा। So this was it for today. Thanks for staying till the end and use the comment box down below to provide any type of feedback and I'll see you in the next. Yeah,